नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदास। जिले के सिविल सर्जन को कड़ी फटकार लगी है। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने फटकार लगाई है। एक वेबिनार में सिविल सर्जन से रूबरू हुए थे अपर मुख्य सचिव। जिले में लाखों की मशीन कहां है नहीं बता पा रहे सिविल सर्जन। निकम्मे सिविल सर्जन तबादले के लिए तैयार रहे अपर मुख्य सचिव ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिलों में लाखों की मशीन के बारे में जब पूछताछ की गई तो सिविल सर्जन को इसके बारे में नहीं पता। निकम्मे सिविल सर्जन के तबादले के लिए तैयार रहे कहा है अपर मुख्य सचिव ने। जिलों के सिविल सर्जन को कड़ी फटकार लगाई गई है। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने फटकार लगाई। एक वेबिनार में सिविल सर्जन से रूबरू हुए थे अपर मुख्य सचिव और उस वक्त उनसे पूछा जिलों में लाखों की मशीन कहां है नहीं बता पाए सिविल सर्जन। तो साफ तौर पर अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि तबादले के लिए तैयार रहे। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अजय, अपर मुख्य सचिव ने कड़ी फटकार लगाई है जिलों के सिविल सर्जन को, मशीन के बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं रही। बिल्कुल राजा, देखिए अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार एक वेबिनार में शामिल थे और उस वेबिनार में तमाम जिलों के सिविल सर्जन मौजूद थे। जब चीजों की जानकारी ली जाने लगी तो लोगों ने कहा, सिविल सर्जन ने कहा कि सर मुझे पता नहीं है कि अमुक मशीन कहाँ है। तो फिर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आपको जानकारी नहीं तो क्या स्टोर कीपर को जानकारी है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्टोर कीपर भी नहीं बता रहा है। ये घटना है अब से थोड़ी देर पहले का, लिहाजा अरुण कुमार सिंह ने कई सिविल सर्जन को कहा है कि आपको मजे लेने के लिए हमने जिलों में नहीं भेजा है। यदि आप मजा लेना चाहते हैं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। ऐसी ऐसी स्थिति थी। एक वेबिनार जैसा की मैंने कहा, सर्वाइकल कैंसर के ऊपर सेमिनार था। डॉक्टर भारती कश्यप ने इसे आयोजित किया था। जब पूछे जाने लगा कि सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए जो मशीन रांची से आपको भेजी गई थी वो काम क्यों नहीं कर रहा है, तो एक सिविल सर्जन ने कहा कि उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं है जिसकी कीमत मात्र 400 रुपए है। अरुण कुमार सिंह इसी बात से गुस्सा हो पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसे सिविल सर्जन, इन्हें यह नहीं पता है कि जिलों में भेजी गई मशीनें कहाँ हैं। 3 साल से कहीं कहीं मशीनें रखी हुई हैं। गोड्डा के डीसी को फटकार लगाई, उसके बाद से गिरिडीह के डीसी को भी, गिरिडीह के सिविल सर्जन को भी फटकार लगाई। तो पूरी तरह से आज जो वेबिनार हुआ है उसमें स्वास्थ्य विभाग बेपर्द हो गया। जिले के सिविल सर्जन की बोलती लगभग बंद हो गई। अरुण कुमार सिंह ने यह भी कहा कि जो निकम्मा सिविल सर्जन है वे तबादले के लिए तैयार रहे। राजदा, बिल्कुल ऐसे सिविल सर्जन की जरूरत भी नहीं है जिलों को। अजय, जिस तरीके से इन 400-500 रुपए की चीजों के लिए ये उस मशीन को नहीं भरवा पा रहे हैं जिससे कि लोगों की जान बच सके, तो ऐसे सिविल सर्जन की जरूरत भी नहीं है हमें। बिल्कुल राजा, देखिए ये गिरिडीह का मामला था। गिरिडीह में सर्वाइकल कैंसर की, जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के अधिक रोग पाए जाते हैं, 100 यदि महिलाएं हैं तो 25 महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके लिए 30 लाख की मशीन गिरिडीह के सिविल सर्जन को भेजा गया था। वो मशीन पिछले कई महीने से इसलिए काम नहीं कर रहा कि उसमें 400 रुपए की नाइट्रोजन गैस भरी जानी है। सिविल सर्जन ने कहा कि 400 रुपए का तो आप चाय पी जाते होंगे। सिविल सर्जन की बोलती बंद हो गई। उसके बाद से एक और जो मामला है कि देवघर के जो सिविल सर्जन है उनके पास मशीन उपलब्ध करा दी गई थी। जब अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने पूछा कि वो मशीन कहाँ है तो सिविल सर्जन ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपने स्टोर कीपर से पूछा है, ये देवघर की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्टोर कीपर को भी नहीं पता है। अरुण कुमार ने कहा कि कल शाम तक मुझे रिपोर्ट बताइए अन्यथा दोनों को मैं सस्पेंड करूंगा। तो ये स्थिति है राजा। जिलों में जो डीसी मौजूद है, रांची की स्थिति अच्छी थी लेकिन वहां भी ज्यादा काम करने का स्कोप है, ऐसा आज के वेबिनार में दिखाई पड़ रहा। ऐसा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तमाम जानकारियों के लिए। तो निकम्मे सिविल सर्जन को तबादले के लिए तैयार रहने की भी हिदायत दी है अपर मुख्य सचिव ने। तो जिले के सिविल सर्जन को कड़ी फटकार लगाई गई।
महज 400 से 500 रुपए में नाइट्रोजन गैस आता है मशीन में डालने के लिए, वो तक नहीं डाली गई है। तो ऐसे सिविल सर्जन की जरूरत हमें नहीं लगता है कि जिले को इसकी जरूरत है।